जय श्री श्याम, राधे राधे। आज हम बनाने जा रहे हैं सामक की लापसी। एक कटोरी सामक, जिसको मैंने अच्छे से पानी से वॉश करके स्ट्रेनर से इसका पानी निकाल दिया है। आधी कटोरी से थोड़ी सी ज़्यादा चीनी, आधी कटोरी से थोड़ा सा कम घी, और भगार देने के लिए इसमें थोड़े सौंफ और 3 से 4 लौंग है इसमें, थोड़ी सी किशमिश, 6-7 इलायची, 8-10 बादाम। ठीक है, तो आइए इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। डाल देंगे, मैंने पूरा घी डाल दिया है। इधर पानी भी रख दिया है बॉईल होने के लिए, जो इसको हमें अभी इसमें डालना पड़ेगा। थोड़ा सा देखते हुए इसमें मैं सौंफ डाल दूंगी, सौंफ और लौंग का भगाड़ देंगे, वो डाल दूंगी इसमें। अब इसमें ये डाल देंगे हम सामान। ये इसकी फ्लेम को मैंने थोड़ा सा कम कर दिया। अब इसको हम अच्छे से सेक लेंगे। अब देखिए ये मेरा अच्छे से सिक चुका है। लगभग मेरे को 5 से 7 मिनट लगे हैं इसको सेकने में, और इसने अच्छे से घी छोड़ दिया है। अब इसमें हम बॉईल जो पानी मैंने किया था वो इसमें डाल देंगे। अब जिस बाउल से मैंने नाप लिया था सामक का, उसी से मैं पानी डाल दूंगी। एक बाउल, ये गरम गरम पानी है, और ये 2 बाउल, थोड़ा सा डाल दूंगी। मैंने अभी इसमें लगभग 2 बाउल पानी का डाल दिया है। हम देख लेंगे फिर ये अच्छे से इसमें अगर फूल गया तो ठीक है, वरना थोड़ा सा पानी और डाल देंगे। इसको हम 5-7 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। इसको मैंने ढक दिया है और गैस की फ्लेम को लो कर दिया है। अब इसको हम देख लेते हैं। ये देखिए इसका पूरा पानी सूख चुका है। अब इसको हम देखते हैं कि ये हमारा फूल गया है बढ़िया से, तो हम इसको उंगली की सहायता से देख लेंगे। इसमें थोड़े से पानी की और जरूरत है अभी, इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देंगे हम। देखिए मैंने लगभग आधे बाउल से थोड़ा सा कम पानी और डाल दिया है। अब इसको फिर से एक बार ढक देंगे 1 मिनट के लिए। अब इसको हम देख लेंगे। ये देखिए अब ये अच्छे से हो चुका है बिल्कुल। अब इसमें हम चीनी डाल देंगे, ये पूरी चीनी मैं इसमें डाल दूंगी। हम इस चीनी को अच्छे से मिला लेंगे। अब इसके अंदर मैं ये बादाम डाल दूंगी जो मैंने काट लिए हैं पूरे अच्छे से। ये किशमिश भी डाल दूंगी इसमें। बादाम और किशमिश दोनों मैंने इसमें डाल दिए। अब इसको अच्छे से हम मिला लेंगे जब तक ये चीनी का पानी पूरा अच्छे से सूख ना जाए। तो हिला लेंगे 2 मिनट के लिए। अब देखिए चीनी का पानी सूख चुका है इसमें बिल्कुल। अब इसमें हम इलायची भी डाल देंगे। आप इसमें केसर भी डाल सकते हैं, वो उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगेगा। ड्राई फ्रूट्स अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, जैसे इसमें काजू डाल सकते हैं, पिस्ता डाल सकते हैं, किसी को इलायची का फ्लेवर अगर पसंद ना हो तो वो केसर डाल दें। इस तरह से आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ये कर सकते हैं। अभी हमारी बिल्कुल बनके तैयार है। अब इसको हम सर्व करेंगे। गैस की फ्लेम में बंद कर दूंगी। अब इसको हम सर्व कर देंगे। इसका थोड़ी सी हम गार्निशिंग कर देंगे काजू बादाम से। लीजिए अब ये बिल्कुल रेडी है। आप ये बन गई सामक की लापसी। ये तैयार है सामक की लापसी। ये बनाइए और सबको खिलाइए।